दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाकिब और कोहली की लड़ाई पर दिया सनसनीखेज बयान। जी हां दोस्तों, विराट कोहली और शाकिब अल हसन के बीच हुई लड़ाई को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को उसकी असली औकात दिखाते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाते हुए क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शाकिब अल हसन में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए लगभग जीत की दहलीज पर कदम रख लिया है। दरअसल इस मुकाबले में तो उतार कर भारतीय टीम ने गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम को 227 रन पर ऑल आउट किया। इसके बाद भारतीय टीम ने 314 रन तक अपनी पारी को ले जाने का काम किया। हालांकि 87 रन की लीड के बाद बांग्लादेश की टीम फिर से मैदान पर आई। बांग्लादेश की टीम ने दूसरी पारी में 231 रन पर अपने सभी विकेट गंवा दिए, जहां पर 145 रन की लीड बांग्लादेश को प्राप्त हो गई। और इस लक्ष्य का पीछा करने जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 45 रन 4 विकेट खोकर बना दिए। तो वहीं भारतीय टीम को 100 रन की आवश्यकता जीत के लिए है। ऐसे में इस बीच विराट कोहली और शाकिब अल हसन के बीच लड़ाई देखने को मिल गई। दरअसल 20 ओवर में विराट कोहली को मेहंदी हसन गेंदबाजी कर रहे थे कि इस बीच बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे मेहंदी हसन ने विराट कोहली को आउट कर दिया, जिसके बाद जश्न मनाते हुए पूरी की पूरी टीम ने बदतमीजी की। इसके अलावा नूरुल हसन ने तो विराट कोहली को गाली दे डाली, जिसके बाद विराट कोहली ने एग्रेसिव होकर दोबारा से पलटवार कर दिया। हालांकि इसी बीच शाकिब अल हसन माफी मांगने आए और एम्पायर ने मामले को भी शांत कर दिया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने लड़ाई पर बयान जारी किया। दरअसल नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में जिस तरीके से विराट कोहली ने शाकिब अल हसन को जवाब दिया, उससे ये बात तो पता लग चुकी है कि भारतीय खिलाड़ियों को दबाना बेहद मुश्किल है। हालांकि विराट कोहली के द्वारा कई ये हरकत काफी ज्यादा खराब थी। क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बार बार क्रिकेट को शर्मसार किया जाता है। इस बार विराट कोहली और शाकिब अल हसन के बीच जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में काफी ज्यादा गलत हुआ, लेकिन यहाँ पर गलती सबसे बड़ी विराट कोहली की ना होकर बांग्लादेश की पूरी टीम की है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने विराट कोहली को उकसाया और विराट कोहली का चरित्र ही अग्रेसिव है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली और शाकिब अल हसन के बीच लड़ाई में सबसे बड़ा जिम्मेदार विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल हसन है, और विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल हसन विराट कोहली को गाली नहीं देता तो शायद जहां तक नौबत नहीं आती। लेकिन सभी को मालूम है विराट कोहली का चरित्र काफी ज्यादा उग्र है, ऐसे में विराट कोहली को सिर्फ छोड़ना बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना करना है। लेकिन अब भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी। अगर भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज नहीं करेगी तो बांग्लादेश की टीम हमेशा भारत पर हावी रहेगी, इसलिए यहां पर भारतीय टीम को सभी पर हावी होना पड़ेगा और जीत दर्ज करके बांग्लादेश को उसकी औकात दिखानी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस लड़ाई के किस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा गलती थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।